देखो दोस्तों, पहले 2011 में क्या होता था कि मैथमेटिक्स के दो पेपर हुआ करते थे, एक कंपलसरी पेपर हुआ करता था, एक ऑप्शनल पेपर हुआ करता था। तो आज की डेट में ये जो दोनों पेपर हैं ना, वो मर्ज करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सम 30% डिफरेंट ही मानो आप, ठीक है ना। तो कंपलसरी जो मैथमेटिक्स थी, इसमें क्या क्या था, देखो नंबर सिस्टम था, एल्जेब्रा था, ट्रिग्नोमेट्री थी, स्टेटिस्टिक्स थी, प्लेन ज्योमेट्री थी और मेंसुरेशन था। और ये जो टॉपिक थे दोस्तों, ये थे ऑप्शनल मैथमेटिक्स के 2011 में, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, ग्रुप थ्योरी, री एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, कैलकुलस ऑर्डिनरी एंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर एनालिसिस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। और उसके बाद में ये सब पूछता है इसमें। अब हम क्या है कि इसका एनालिसिस करेंगे कि उस टाइम पे इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हर एक टॉपिक से, उसके बाद में आज के अकॉर्डिंग कि क्या कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है और जो सबसे पहले वही पढ़ने चाहिए, उसके बाद में आगे जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये एनालिसिस करेंगे, वीडियो को कंप्लीट एंड तक आप देखना। देखो दोस्तों, अब क्या है कि अब हम देखते हैं कि जो ऑप्शनल मैथमेटिक्स था 2011 का ACF का, तो उसमें कौन से टॉपिक से पर्टिकुलर कितने क्वेश्चंस पूछे गए। देखो ये सब कराने का सिर्फ एक ही टारगेट है, जिससे आज के पेपर का आपको आइडिया लग जाए कि मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर कहाँ से आ सकते हैं। और फिर आज फिर देखेंगे हम कि आज के जो 2018 के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको प्रायोरिटी में पहले रखने चाहिए, ठीक है ना। दोनों पेपर की, 2011 की पेपर की जो PDF लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हो या फिर RPSC ACF की साइट से जाकर देख सकते हो, क्लियर है। अब देखते हैं, देखो एलजेब्रा जो था, इस एलजेब्रा से, पर्टिकुलर एलजेब्रा से टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों 2011 के ऑप्शनल में। उसमें क्या था, रूट के जो क्वेश्चन थे वो थे 7, मतलब इस पर्टिकुलर जो टॉपिक था रूट वाला, कि रूट जैसे फाइंड कर लेते हैं तो उसके क्यूबिक हो या फिर कोई सा भी रूट हो, तो उसके 7 क्वेश्चन थे। पॉलिनोमियल का एक क्वेश्चन था और अदर जो क्वेश्चन होते हैं एलजेब्रिक में, जिसमें हमसे कुछ भी जैसे a+b=b-a हो गया, c/a a * b वाला हो गया, α/β हो गया, उस तरीके के कुछ क्वेश्चंस थे। तो एलजेब्रा से दोस्तों जो टोटल क्वेश्चन थे वो 15 थे। इसके बाद में डिफरेंशियल जो कैलकुलस थी, उसमें से जो क्वेश्चन थे वो थे 21 क्वेश्चन थे, जिसमें कंटिन्यूटी पर जो क्वेश्चन थे वो आपके 10 क्वेश्चन थे, कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में जो फाइंड करते हैं। असेंप्टेट जो थे उसमें आपके 4 क्वेश्चन थे, और रोल एंड द रोल थ्योरम होती है ना, रोल थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम के लिए लैग्रांज जो थ्योरम होती है उस पर 2 क्वेश्चन थे, और मैक्सिमम मिनिमा पर 1 क्वेश्चन था। मतलब टोटल मिलाकर डिफरेंशियल कैलकुलेशन में आपके 21 क्वेश्चन थे, ठीक है ना दोस्तों। उसके बाद में रियल एंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो थे, देखो मैंने किया क्या था कि मैंने नंबर 1 मतलब नंबर 2 इस तरीके से क्वेश्चन देखे कि कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक से है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन, जैसे इसमें क्या था कि डिफरेंशियल कैलकुलस था और रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, इसके जो टॉपिक है ना सिमिलर हैं, मिलते जुलते हैं, तो उन सब के बेसिस पर मैंने ये बनाया कि भाई देखते हैं कि कौन से टॉपिक से कौन से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो रियल एंड द कॉम्प्लेक्स जो एनालिसिस था, देखो उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पर 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, रोल एंड द लैग्रांज, पोल एंड द सब ग्रुप्स और ग्रुप थ्योरी। देखो ग्रुप थ्योरी में जो सब ग्रुप्स होते हैं ना, वो जैसे कि ये एनालिटिक हो गया, परमानोटेटिक ग्रुप हो गए, और आपके क्या बोलते हैं, एमोफॉर्मिज्म हो गई, एंडोफॉर्मिज्म हो गई, तो उस तरीके से जितने भी ग्रुप्स थे उस पर टोटल क्वेश्चन 14 थे, और इस पर भर भर के क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में पोल और सिंगुलरिटी पर अकेले पर 11 क्वेश्चन थे, कॉची इक्वेशंस पर 4 क्वेश्चन थे, कॉची रैमन इक्वेशन पे, कन्वर्जेंस पे 8 क्वेश्चन थे दोस्तों। इस कन्वर्जेंस पे अकेले कन्वर्जेंस पे जो कन्वर्जेंस होती है ना, जो हम फाइंड करते हैं किसी पर्टिकुलर सीरीज के लिए कि डाई कन्वर्जेंट है या कन्वर्जेंस है, उस पर 8 क्वेश्चन थे। तो दोस्तों रियल एंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुल मिला के जो क्वेश्चन थे वो देखो, 8 और 4 12 और 4 16 16 और 4 20, 30 34 और 34 और 44, 45 क्वेश्चन थे इस पर अकेले। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितने, मतलब ये जो रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है वो कितना इम्पोर्टेंट हो गया, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और रियल एंड द कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोस्तों इस बार भी है, तो आपको ये जो टॉपिक है, पर्टिकुलर चैप्टर है, इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि इस पर भर भर के क्वेश्चन आएंगे। आप सोच लो कि 45 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आप जरूर करना, और जिसमें भी पोल एंड द सिंगुलरिटी पर, सब ग्रुप्स पर और कन्वर्जेंस वाला, ये तीन टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद में 6th था इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें देखो डबल इंटीग्रल पर 4 क्वेश्चन पूछे गए,
ट्रिपल इंटीग्रल पर दो क्वेश्चन पूछे गए, एरिया बाउंडेड जो सरफेस एरिया बाउंडेड होता है ना डबल इंटीग्रल करके वो तीन क्वेश्चन पूछे गए, वॉल्यूम वाला आप पर दो क्वेश्चन पूछे गए, लेंथ ऑफ द आर्क पर दो क्वेश्चन पूछे गए, इंटीग्रल वैल्यू पर तीन क्वेश्चन पूछे गए, मतलब ओवरऑल कितने क्वेश्चन पूछे गए इंटीग्रल कैलकुलेशन पर 16 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों। इसके बाद फोर्थ है ऑर्डिनरी एंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर्टिकुलर चैप्टर पर 17 क्वेश्चन पूछे गए दोस्तों इस पर्टिकुलर इस पर, तो ये समझ सकते हो आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे भी ये तो होना इसलिए क्योंकि यही आपका क्या है बेस है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या है कि 2D पर अकेले 32 क्वेश्चन पूछे गए, वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। 3D पर आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए। आने वाला जो अब मैं आगे इसमें ये बताऊंगा दोस्तों कि आज के सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी कि 2018 की रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स के कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, चैप्टर के भी टॉपिक्स ऐसे कौन से जो पर्टिकुलर आपको सबसे प्रायोरिटी में पढ़ने चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ना, ठीक है। 3D पर आपको 25 क्वेश्चन पूछे गए, वेक्टर से आपको 15 क्वेश्चन पूछे गए, स्टेटिस्टिक पर आपको 4 क्वेश्चन पूछे गए, ट्रिग्नोमेट्री पर आपको 5 क्वेश्चन पूछे गए और न्यूमेरिकल एनालिसिस पर 5 क्वेश्चन पूछे गए। ओवरऑल जो क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों तो 200 क्वेश्चन थे पहले, ठीक है ना, तो 200 क्वेश्चन थे। और ये जो मैंने ये वाला जो एनालिसिस किया है ये ऑप्शनल मैथमेटिक्स का है, इसके अलावा जो कंपलसरी मैथमेटिक्स आती थी जैसे आप मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखा दिया के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो जैसे 2011 में कंपलसरी के जो टॉपिक्स थे जैसे एलजेब्रा हो गया तो पॉलीनोमियल उसमें कंप्लीट था, ट्रिग्नोमेट्री उसमें कंप्लीट थी, स्टैटिस्टिक्स उसमें कंप्लीट थी, ज्योमेट्री उसमें कंप्लीट थी, 3D नहीं थी लेकिन प्लेन ज्योमेट्री थी, उसके बाद में मेंसुरेशन भी था। अब ये सारे टॉपिक अब कहाँ मिल रहे हैं आपको, 2018 के में मिल रहे हैं। ऑप्शनल तो था ही, जो एनालिसिस है रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, इसके साथ में आपको कंपलसरी मैथमेटिक्स को उसमें मर्ज करके दिया है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि पेपर बहुत सीधा साधा नहीं आना है, बहुत अच्छा खासा पेपर आएगा, अच्छे से आपको तैयारी करनी है। अब देखो दोस्तों ये क्या है कि एक चार्ट मैंने प्रिपेयर किया है और पेपर को एनालिसिस करने के बाद में और बतौर एक्सपीरियंस, तो देखो इसके अकॉर्डिंग आप चलना, मैं आपको 100% बता रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो बहुत कुछ सही हो जाएगा और बहुत ही लेवल तक आपकी तैयारी हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो पढ़ने का तरीका ये ही होता है, आपको सबसे पहले प्रायोरिटी फर्स्ट वाले चैप्टर करने हैं, उसके बाद प्रायोरिटी सेकंड वाले चैप्टर करने हैं, उसके बाद में प्रायोरिटी थर्ड वाले करने हैं। इसका मतलब ये है कि प्रायोरिटी फर्स्ट पर जान फूंक देना, इतनी मेहनत कर लेना कि इसका एक एक क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। प्रायोरिटी में सेकंड में जो आती है उसका मतलब ये है कि फर्स्ट जब हो जाए अच्छे से उसके बाद आप सेकंड पे जाना। सेकंड वाले टॉपिक्स वो टॉपिक्स हैं जो आपको आते तो हैं, बस रिवाइज करने की ज़रूरत है और आपसे हो जाएंगे। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आपको अच्छे से आती है, न्यूमेरिकल एनालिसिस आपने पढ़ा हुआ है बीटेक लेवल का है, लेकिन उस पर फिक्स्ड क्वेश्चन है, उन पर मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे ना वो फिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे जिसमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे रेगुलर फॉल्स मेथड न्यूमेरिकल एनालिसिस, वहाँ पर आपको सिर्फ क्या है वैल्यू फाइंड करनी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ऐसे जो टॉपिक्स होंगे ना तो मैंने डाले न्यूमेरिकल एनालिसिस में, और भी जैसे होते हैं जैसे क्या बोलते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड हो गया, बाइसेक्शन फार्मूला हो गया, ये सब न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो आपने पढ़ा हुआ होगा, और इस पर क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाएंगे तो आप क्या है फिर भी कर लेना, ठीक है ना, अच्छे से करना। लेकिन ये है कि प्रायोरिटी सेकंड पर इसको करना, क्योंकि फर्स्ट जब हो जाए उसके बाद करना, फर्स्ट वाले प्रायोरिटी की हो जाए तब। जैसे एलजेब्रा हो गया ये आपको आती है तो कुछ अपना साइंसेज रहते हैं कि एलजेब्रा के क्वेश्चन हो ही जाते हैं, तो इसको मैंने इसलिए प्रायोरिटी नंबर सेकंड पर रखा कि आपको बस इस पर क्वेश्चन ही करने हैं। LPP में ऑपरेशन रिसर्च हो गई, लीनियर प्रोग्रामिंग हुई, तो ये क्या है कि ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि क्या है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसा होता है कि आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, आपको सिंपली बस वैल्यू फाइंड करने के लिए आएगी, सिंप्लेक्स मेथड हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो गए, ठीक है ना, इसलिए ये सेकंड पे रखें। स्टैटिस्टिक हो गए जैसे मीन मॉड ये सब जो निकालना होता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। थर्ड में आपको क्या है जैसे मेंसुरेशन होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, इंटीग्रल कैलकुलस और स्टैटिक डायनेमिक्स, जिसमें थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओवरऑल, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों इसी तरीके से आप पढ़ना, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपका। और देखो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस नहीं करना, सिलेबस तो आपको ओवरऑल वैसे भी कंप्लीट करना है, लेकिन क्या होता है कि प्रायोरिटी के बेसिस पर अगर हम पढ़ते हैं ना तो उसमें हमारे चैप्टर जो होते हैं वो फिनिश हो जाते हैं, कि जैसे प्रायोरिटी इसमें ये नहीं रहता कि क्योंकि ओवरऑल सिलेबस अगर करना है ना तो उसमें ये हो जाता है कि चलो हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो कंप्लीट कर लिए, उसके बाद हमको टाइम मिला हमने सेकंड प्रायोरिटी की भी कर लिए, उसके बाद हमको और थोड़ा टाइम मिला तो हमने थर्ड वाले भी कर लिए, ज़्यादा कौन से करने हैं फर्स्ट वाले करने हैं, उसके बाद थोड़ा सेकंड वाले करने हैं, और बिल्कुल ऐसा है कि भाई चलो उस पर थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछा था उसकी थ्योरी कर लो, और बहुत ज़्यादा अगर आपके पास टाइम हो तो इन सबको बहुत अच्छे से करना ही है, बस प्रायोरिटी के आधार पर पढ़ना चाहिए हमेशा। और यही सिलेक्शन का क्या है एक सीक्रेट होता है कि भाई कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही फिनिश किए जाए।
आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा। और देखो एक और बात कि इतना सब कराने के बाद में अगर आप चाहते हो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए इनके भी टॉपिक्स मैं बताऊँ कि 2D में आपको क्या पढ़ना चाहिए, 3D में आपको क्या पढ़ना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट ही है कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3D में ऐसे कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना है। जितने कमेंट होंगे उसके बेसिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज़ मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। तो टॉपिक्स के अगर आप और टॉपिक्स के भी टॉपिक्स चाहते हो तो मेरे को आपको कमेंट करके बता देना। लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपडेट रहना और बेल आइकन को प्रेस कर इसलिए कर लेना नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। और जन मेरे सारे लिंक जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक पेज एंड इंस्टा। तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना। बाय बाय, थैंक यू सो मच।